ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ ਆਖਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਬਰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਬਲੂ ਅਤੇ ਮਨਸੂਰਾ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਬਲੂ ਹੈ ਉਸਨੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ पहले घर पे अपने देश में अपने गांव घर पड़ोस में एक जगह रहते थे ठीक है। हाँ हाँ वो भी थी मैं भी थी तो मैंने दोनों में हम लोग बीच में जान तो मियाँ भी के बीच थोड़ा लड़ाई नहीं होता है सोतन में सी लड़ाई होता है अपने बच्चे को मार उसके बच्चे मार अपने दो बच्चे लेकर मैं गया काम करने के लिए बच्चे लोग काम कर रहे थे फिर इसके घर वाला मेरे घर वाला बोला कि तू बच्चे लोग काम करती है बाइचान बच्चा एक्सीडेंट यदि हो जाए तो बच्चे घर में छोड़ कर पढ़ाई स्कूल नहीं देते तू काम करते बच्चे खिला तेरे बच्चा को मैं प्रसिद्ध करूँ तू पेट तो चला सकती तो अपना कोई नहीं चला लेंगे हम तो मैंने रखा डेली राजपुत्री काम यहाँ पे अब ये अलग से रह रहे हाँ मैं यहाँ पे अलग से रहता हूँ बरवाले में ये बबू कहाँ का रहने वाला है मालदा जिला मालदा हाँ जी वेस्ट बंगाल कहाँ बंगाल बंगाल हाँ जी तो दूसरी लड़की का क्या नाम है पूरा उसका मंसूरा फेबी वो कहाँ से है वो चांदमुनी से चांदमुनी से चांदमुनी हाँ मैंने हाँ एक बच्चे हैं हाँ उनकी पहली भी पहली घर का चारवीं बच्चा है इसका है अभी इनकी मेरे घर की तरफ से मेरे घर वाला तरफ से उनकी बच्चा नहीं हुआ है उनकी शादी भी हो रखी है हाँ पहले पहले की भी हो चुकी शादी हो चुकी थी वो अगर उसके घर वाला भी जिंदा है चांदनी जो रात कत्ल हुए हैं हाँ जी वो आप वो साथ वाले कमरे में रहते हैं हाँ मैं साथ वाले कमरे में थे हाँ। मैं आई साथ खाना खा रहे थे सारे लोग हाँ। मैं खाना खा रही थी सारे लोग ये लोग आए तो बोला बोला कितने जने आए थे वो जिन्होंने एक लेडीज थी तीन बंदे थे अच्छा हाँ पहले तो भी आते थे वो वहाँ पर वो वहीं पे रहते ही भी थे रहते भी वहीं पर हाँ खाना खर्चा सब कुछ वहीं पे रहते थे इनके बीच में क्या लड़ाई हुई मुझे नहीं पता है ठीक हाँ। है ये वहाँ पे कल आए तो बोलने लगे मेरे को देखा वहीं पे रहते थे बोलते भाभी ठीक हो मैं कह हाँ भैया ठीक हूँ तो बोलने लगे भाभी कैसी हो मैं कह अच्छी हूँ आप कैसे हो कहते मैं भी ठीक हूँ मैं कह अच्छी मैं कह बहुत दिन बाद मैंने बोला बहुत दिन बाद दिखाई दिया आपने कहते भाभी ऐसा कोई काम ही नहीं पड़ा काम वाम चल रहा है तो ऐसे ही बोला मेरे को तो आपने क्या देखा फिर रात फिर मैंने रात आए थे ये नौ बजे करीब अच्छा नौ बजे हाँ नौ बजे करीब आए उसके बाद में इन्होंने क्या किया एक दो इनकी गाली गुली होने लगी तो मैंने मना किया मैं कह भाई आप लोग गाली गुआ ना करो आप उसमें आपका मैटर है निपट लो फिर मैंने इनको बोला भाई छोड़ दो आप बात खत्म करो जो हुआ तो अलग हटो तो इन्होंने बोला मैंने कहा भाई क्या मारोगे आप मुझे भी मारोगे मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे को वो लेडीज बोली कि अगर बीच में आप आओगे तो आप भी मारी जाओगे जो बीच में आएगा वो मारा जाएगा जो इनके साथ में रहेगा वो भी मारा जाएगा तो मुझे कल मैं इन्होंने बाहर उसको मारा तो मैं छुड़ाने गई तो मेरे को धक्का दिया बोला हट जाओ ने मार दूंगी मैं इधर ऐसे घूम गई तो उसके चक्कू यहाँ पे मारी अच्छा। तो इसके इतनी चक्कू लगी थी और इसके और वो बंदे दो जो थे वो अंदर उसके पति को मार रहे थे मेरी इतनी हिस्सियत नहीं थी जो मैं बचा लेती मैं अकेली जितना मेरे से हो सका भाई उतना मैंने किया एम्बुलेंस को फ़ोन करवाया एम्बुलेंस को लेके गए उसको मैंने बोला बबलू भाई उसको मैं देखने गई अपने हाथ पे इसका सिर रखा मैंने बोला उठो भाई ठीक हो तो वो बोला भाभी मेरे को बचा लो
उसने बोला भाभी मेरे को बचा लो क्या मार दोगे, तो मैंने बोला भाई मरोगे नहीं, मैंने एम्बुलेंस को फोन किया है वो आ रही है आपको लेके जाएगी। बबलू को कितने चाकू लगे थे? बबलू को बाई चांस तो मैंने एक ही चाकू यहाँ पे उसका सेल्ट फटा हुआ था एक ही देख पाया इमरजेंसी में। औरत के कितने लगे थे? औरत के भी एक लगी थी यहाँ पे। हाँ और बबलू को लोग देख रहा है अभी बॉडी मैंने बबलू की सरी देख नहीं पाई है। बल्कि सारा चीज जो होया कटना थोड़ी अखां दे सामने। हाँ मेरे अखियों के सामने पहचान दे भी। हाँ मैंने उनको बोला भाई छोड़ दो, बोलते हट जाओ ने तुम्हारे को भी मार दूंगी। भाई मेरे बच्चे रात भर सेफ्टी दूसरे की जगा रहे हैं। ये 9 बजे की करीब 9-10 के बीच की है।